हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सेफ हैं और स्वस्थ हैं, घरों में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिएगा और इससे आगे आने वाले वीडियोस भी इसी से जुड़े रहेंगे, इसलिए वो भी देखिएगा। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ वो है कि आप एग्जाम में जब आपको टेंसेस दिए जाते हैं तो या तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं MCQs ABCD वाले या फिलअप्स आते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन से वाक्य में कौन सा टेंस आएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे पहचानेंगे जो आपको फिल करनी होगी, बस वो आज हम यही देखेंगे। तो टेंसेस चूंकि ज्यादा है, 12 टेंसेस हैं, तो उनको हम कैसे पहचानेंगे, एक ही वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, तो हम आगे आने वाले कुछ वीडियोज में यही देखेंगे। तो आज हम पहला वीडियो शुरू कर रहे हैं क्योंकि मैंने कहा था कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपको वो ट्रिक बताऊंगी, तो बस वही मैं लेके आई हूँ। तो देखिए, टेंसेस आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे फिल कर सकते हैं। फिलअप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं आपको और ब्रैकेट में एक वर्ब दी होती है और उसी के ऑप्शन है, आपको वो ऑप्शन में से कोई एक सही वाला आंसर फिल करना होता है। उस तो वो वर्ब का कौन सा फॉर्म उस सेंटेंस के लिए सही रहेगा कैसे पता करेंगे, वो हम अब शुरू करते हैं। तो पहला रूल, कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो हम पहला रूल देखते हैं कि यदि वाक्य में ऑफन, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, स्केसली, एवरी या ईच, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, समटाइम्स, ट्वाइस अ डे या ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, या ऑन मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, कोई भी सप्ताह का दिन उसका नाम ऑन के साथ, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये अगर शब्द आए हों तो वाक्य में वर्ब की प्रेजेंट इनडेफिनेट सिंपल प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वो क्या होता है, जैसे हम जो वाक्य का कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS या ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है। ये मैंने सारे टेंसेस आपको पहले पढ़ा रखे हैं, आप चाहें तो वो रिव्यू कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे वीडियोस के लिंक दे दूंगी। अब सब्जेक्ट कैसा होता है जब SEIS लगेगा, जब एक वचन हो, आई रेयरली प्ले चेस, रेयरली कभी कभी, बहुत कम ऐसा होता है, प्ले यहां प्ले है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर शी टेक्स मीटिंग ऑन ट्यूजडेज, टेक कि वह ट्यूजडेज मतलब प्रत्येक मंगलवार को मीटिंग लेती है, जो रूटीन में डेली होता है ना, अक्सर जो होता है, बार बार होता है, उन चीजों के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे शब्द देखते ही आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट इनडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। शी द टीचर चेक्स आर होमवर्क डेली, चेक कि हमारी टीचर जो है वो डेली हमारा होमवर्क चेक करती है, चेक्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, प्लस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। अब यदि वाक्य में निगेटिव या नकारात्मक यानी कि नॉट का प्रयोग है तो डू डस के साथ नॉट का प्रयोग किया जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी डू और डस। आप ध्यान रखिएगा कहाँ डू लगेगी, कहाँ डस लगेगा, मैंने टेंस पढ़ाते हुए बता दिया था, उसके साथ नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर SEIS नहीं जुड़ेगा, और ऑब्जेक्ट जैसे आई डोंट गो टेम्पल ऑन संडेज, कि मैं संडे को मंदिर नहीं जाता, और फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ वर्ब कौन सी है, गो, तो गो की फॉर्म आपको लिखनी है। फिर है रूल नंबर टू, यदि वाक्यों में शाश्वत सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो विश्व में होते ही हैं, जो हम बदल नहीं सकते, शाश्वत सत्य हैं, वैज्ञानिक सत्य, साइंटिफिक ट्रुथ, साधारण सत्य, जनरल ट्रुथ या कहावतें, प्रोवर्ब्स का प्रयोग हो, तो वाक्य में प्रेजेंट वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस फॉर्म का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में एस या ईएस।
ऐसे शाश्वत सत्य कौन से, जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, चंद्रमा उदय होता है, रात में उदय होता है, इट्स लाइक दिस, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वर्ब क्या है, राइज। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वरल्स विद हिज टूल्स, क्वरल यहाँ पर वर्क है, ऑलवेज आया है, और ये एक कहावत है, ठीक है, कि एक अनाड़ी इंसान अपने ही हथियारों के साथ लड़ता है या उसको काम करना नहीं आता है, एक अनाड़ी व्यक्ति। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बाइट यहाँ पर वर्ब है, शायद ही या कभी कभी, बार्किंग डॉग्स भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, ये एक प्रोवर्ब है। तो देखिए प्रोवर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ प्लूरल है इसलिए बाइट्स नहीं आया, वरना बाइट्स आता, यहाँ एक इंसान है, यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं, इसलिए जब एक वचन है तो SAIS का प्रयोग हुआ है, और जब बहुवचन है तो SAIS नहीं लगा है। उसके बाद तीसरा नियम है, यदि वाक्य में नाउ, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, कंटिन्यूअसली, इन दीज डेज, नाउ डेज, कॉन्स्टेंटली, लुक इत्यादि एडवर्ब्स का प्रयोग हो तो वर्ब की प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए ये दो तो थे प्रेजेंट सिंपल के, अब आया है दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब क्या रहे, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और टाइम, टाइम वर्ब के हिसाब से बीच में आगे पीछे कहीं पर भी लग सकता है, लेकिन ये सारे शब्द आए तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही फिल करना है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें, क्वेश्चन, आर यू कुकिंग टुडे, कि क्या तुम आज खाना बना रही हो, कुक, आर यू कुकिंग, देखिए आर यू के हिसाब से आर आया है, ये सारी चीजें मैं टेंसेस पढ़ाते हुए समझा चुकी हूँ कि कहाँ इज आएगा, कहाँ एम आएगा, कहाँ आर आएगा, और कुक में ING लगा के ये मतलब कुक की प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है। वी आर प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच एट प्रेजेंट, देखिए टुडे, एट प्रेजेंट, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ, ये फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी आएगी आर प्लेइंग, अभी कर रहे हैं, ठीक है। फिर लुक दे आर क्वरलिंग, कि देखो वो लड़ रहे हैं, रहे हैं अभी के लिए, ठीक है ना, तो लुक आ गया, एट प्रेजेंट आ गया, टुडे आ गया, अभी आज वर्तमान में क्या काम हो रहा है, रहा है के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। उसके बाद है चौथा रूल, यदि वाक्य में इम्पेरेटिव, वाक्य इम्पेरेटिव यानी आदेशात्मक वाक्य है, इधर आओ, ऐसे मत करो, प्लीज ये काम कर दो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो दूसरे वाक्य, एक वाक्य अगर इम्पेरेटिव है तो दूसरा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में ही रहेगा। जैसे लेट्स मूव, कि चलो चलते हैं, वी आर गेटिंग लेट, कि हमें लेट हो रहा है, प्लीज डोंट मेक नॉइज, दे आर स्टडिंग, कि अरे आवाज मत करो प्लीज, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आदेशात्मक वाक्य है, इनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ING, RING, RING ये आए हैं, ठीक है। अब है पांचवा, यदि वाक्य में जस्ट, ऑलरेडी, इवन, एवर, नेवर, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, जस्ट नाउ इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो तो वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, देखिए वो कंटिन्यूअस था, पहले दो जो थे वो प्रेजेंट सिंपल के थे, लास्ट बीच के दो तीन और चार नंबर रूल वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, पांचवा रूल जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का रहेगा, तो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए परफेक्ट में क्या होता है, कार्य पूरा हो गया, अब प्रेजेंट में है तो अभी अभी हुआ है, तो जस्ट नाउ और इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी परफेक्ट होता है, कौन सा परफेक्ट, ठीक है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, सब्जेक्ट, हैज या हैव, ठीक है, फिर एडवर्ब टाइम जो भी है
वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब एडवर्ब यहाँ पे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है। लेकिन आपको ये शब्द वाक्य में जरूर मिलेंगे। अगर ये शब्द आपको वाक्य में मिलते हैं तो आपको ये देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा, जिसमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आई हैव जस्ट टेकन माई ब्रेकफास्ट, ठीक वर्ब है, तो हैव जस्ट टेकन, देखिए जस्ट आया है। दे हैव ऑलरेडी फिनिश देयर वर्क, फिनिश यहाँ वर्ब है और ये ऑलरेडी वर्ड। आप ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि कौन, ये वर्ड ही बताएंगे कि कौन सा टेंस आएगा। शी हैज लेफ्ट फॉर होम जस्ट नाउ, कि वो अभी घर के लिए रवाना हो गई है। जस्ट नाउ, ऑलरेडी, जस्ट, ये जो शब्द हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करते हैं, वही फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो बच्चों ये 5 रूल है, अभी कंप्लीट नहीं हुए। हम अगले वीडियो में अगले टेंसेस के लिए नए रूल्स और जो इम्पोर्टेंट है वो लेके मैं फिर आऊंगी। टिल देन आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।